नमस्कार दोस्तों, हेल्प इंडियंस में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ चाइना के बारे में ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। भारत की आज़ादी के समय यह देश भारत से ज़्यादा गरीब था, लेकिन तानाशाह सरकारों की वजह से यह दुनिया का कारखाना बनने लगा और 30 साल के भीतर यह दुनिया के दूसरी सबसे ज़्यादा धनी देश बन गया। चाइना इतनी बड़ी देश है कि यह दुनिया में किसी भी देशों से ज़्यादा 14 देशों को छूती है। यहाँ के उत्तरी चाइना में हाथ को जमा देने वाली यानी -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, तो दक्षिणी चाइना में लू चलने वाली 40 डिग्री का तापमान होता है। दुनिया के लगभग सभी देशों में कोई एक धर्म बहुसंख्यक होता है, लेकिन चाइना में ज़्यादातर लोग कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध का यहाँ पर मानने वाले की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक कीड़ा से लेकर बड़ा से बड़ा जानवर खा लेते हैं, और सांप, बिच्छू, सी फूड जैसे जानवरों को बिना मसाला के जिंदा उबाल कर खा लेते हैं। हम ज़्यादातर भारतीय अपने हाथों से या चम्मच से खाना पसंद करते हैं, तो वही वहाँ के लोग पतली छड़ी के सहारे खाते हैं, और इसे बनाने के लिए यहाँ हर साल लाखों पेड़ काट देते हैं। पहाड़ों एवं बालुओं को खोदकर घर बनाना और उसमें रहना यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसे बनाना सस्ता भी होता है एवं कड़ाके के ठंड से सुरक्षित रखता है। यहाँ के विवाहित दंपति को अपने बच्चे पैदा करने के लिए सरकार से मान्यता लेना पड़ता है। कब और कितना बच्चे रखना है, इसके लिए यहाँ पर फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट सरकार से लेना पड़ता है। पूरी दुनिया फेसबुक तथा यूट्यूब एंजॉय करती है, लेकिन चाइना ने 2009 से ही फेसबुक पर पाबंदी लगा रखा है। फेसबुक के बदले चाइना ने बाइडू, वीचैट एंड चाइना बाइडू बनवाया है। उनका यूट्यूब का अपना वर्जन है जिसका नाम यूट्यूब ताइडू है। प्रत्येक 5 दिन में यहाँ पर एक गगनचुंबी इमारत बनती है। यहाँ के हर्बन सिटी दुनिया के सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। इस सिटी में 1.5 से 2 करोड़ सैलानी हर साल यहाँ आते हैं। 4 महीने के लिए यह शहर बर्फ बन जाता है। चाइना ने 6,300 किलोमीटर लंबा यांगत्से नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनवाया है, जिसमें दिल्ली जैसे 3 रथ समा सकते हैं। इसके बनवाने का खर्च इतना है कि इसमें झारखंड के बजट का 5 साल तक पूरा खर्च निकल सकता है। जो आप शादियों एवं त्यौहारों में पटाखे जलाते हैं, इसका आविष्कार चाइना ने किया था, और आज यह पूरी दुनिया में 85% से ज़्यादा पटाखे एक्सपोर्ट करती है। भारत में भाजपा एवं कांग्रेस जैसे हजारों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और सबके लिए भारत चलाने का समान अवसर मिलता है। तो वही चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो अभी तक 1949 से शासन करते आ रही है। हम भारत में सड़कों पर बाईं तरफ चलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग दाईं तरफ चलते हैं। इसी प्रकार चाइना के लोग भी बाईं तरफ चलते हैं, लेकिन इसके एक शहर मकाऊ है जहां की सीमा एक पुल है, और यहीं से सभी को दाईं तरफ चलना पड़ता है। चीन का महान दीवार 20,000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यह एक दीवार नहीं है बल्कि तोड़ तोड़ के कई सारी दीवारें हैं जो 2000 सालों में बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एवं इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो को अपलोड करूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद। जय हिंद।